प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, परिवहन आयुक्त तो धीरज साहू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग के और गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, एक माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं, और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हरेक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, यह केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है, इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं, स्कूल और कॉलेजेज में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए, उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना
के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसके साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि यह सड़क इतनी अधिक स्पीड के साथ चलाने में चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। बहुत बार स्पीड इतनी अधिक होती है कि अचानक टर्न लेना पड़े, गाड़ी उसमें पलटती है, तब भी दुर्घटना का वो कारण बनता है। और सामान्य जीवन में भी आप देखते होंगे, शराब पी के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या SMS उस समय चेक करना, कोई मैसेज आया है उसको चेक करने का प्रयास करना, या हम चारपहिया वाहन में हैं और बिना बेल्ट के हम लोग वाहन में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, यानी कारण छोटा सा है लेकिन उस कारण, छोटे से कारण की अनदेखी करने का दुष्परिणाम क्या होता है, दुर्घटना बड़ी हो जाती है और उस बड़ी दुर्घटना की कीमत समाज को चुकानी पड़ती है, परिवारों को चुकानी पड़ती है। दोपहिया वाहन से लोग जाते हैं, बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं, वह गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा से संबंधित इन सभी उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, यह एक अभियान आप देख रहे होंगे पिछले एक वर्ष से लगातार हर एक स्तर पर चल रहा है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में MB एक्ट के अंतर्गत भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आज का एक कार्यक्रम इसी कड़ी का एक हिस्सा है। परिवहन विभाग, परिवहन से संबंधित जितने भी वाहन हैं, साधन हैं, इन सब के अक्सर आप देखते होंगे कि नशे में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, लेकिन लोग फिर भी चलाने का प्रयास करते हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग इस बात को देखता है, रोकने का प्रयास करता है, इस पर निरंतर एक अभियान चल रहा है। या परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टेयरिंग पर बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वे वाहन न चलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है, इन सब को देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी कार्यक्रम इसी के पार्ट बनाए गए हैं। और इसलिए एक माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए, पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले, हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें किस कैसे चलना है, सड़क पे चलना है, कहां पे सड़क पार करनी है,
कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, ये सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे इन उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया, और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इसमें बहुत गंभीर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं एक माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा, और यही नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। बराबर राज्य सरकारों से कहा जाता है कि आपके यहां सड़क सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और किस प्रकार से सरकारें इसके बारे में स्वयं भी जागरूक है, ये उन चिंताओं को व्यक्त करती है जो वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी चिंता के रूप में हम सबके सामने आती है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से कहूंगा कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जिन विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वे सभी विभाग अपने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए अगले एक माह तक के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को जिन विभागों को संपन्न करना है, उन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में अपना योगदान देंगे ही। एक माह यानी 20 फरवरी को जब यह कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके बाद फिर अलग अलग विभागों की समीक्षा और किन विभागों ने इस दिशा में कैसा प्रयास किया है जिससे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रत्येक नागरिक की जो अमूल्य जान है उसको बचाने में हम लोगों को निर्णायक सफलता प्राप्त हो पाएगी, इस दिशा इसकी समीक्षा इसके उपरांत भी हम विभाग एक साथ करेंगे और उस समय इस बात को देखेंगे कि किस विभाग के जिम्मे कौन सा कार्य था, उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैंने इस बैठक इस कार्यक्रम के पहले जब विभागीय बैठकें ली थी तो मैंने उस समय इस बात को कहा था कि पहला एक सप्ताह तो हमारा कार्यक्रम जागरूकता का होना चाहिए, व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम, और व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जब हम लोग इस बारे में देखेंगे कि हर नागरिक के पास इस बात की जानकारी हो चुकी है तो इसके बाद फिर हमें इन्फोर्समेंट की ओर जाना चाहिए, फिर कार्रवाई की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट का पालन नहीं करते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, शराब पी के गाड़ियां चला रहे हैं, अपने वाहन का वाहन चला रहे हैं, या अन्य कहीं पे किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पे अवैध कट से यात्रा जबरन मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हाई स्पीड के साथ चल करके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन स्थितियों में फिर वहां पर एनबी एक्ट के अंतर्गत और अन्य जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए भी इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जागरूक करना ये प्राथमिक चरण का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति को स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी उतना ही जागरूक होना होगा। इसमें हम लोग इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई को करेंगे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जब यहां पर हम लोग सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम को यहां पर आज प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपने अनेक उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर रखा है, और खास तौर पर इसमें कुछ नए बस स्टेशन हैं, कुछ का जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ का पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, और कहीं पर अन्य कार्यक्रम यहां पर इसके माध्यम से बनाने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। ये लगभग 55 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज के दिन पर यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के अवसर पर परिवहन विभाग को आम जन की भावनाओं के अनुरूप इन
जो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर के परिवहन विभाग ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है कि यह परिवहन विभाग के निर्मित होने वाले जितने भी ये परिवहन निगम के डिपो हैं, बस स्टेशन हैं, या फिर जो भी ट्रैक के वहाँ पर ट्रेनिंग के ट्रैक आदि बन रहे हैं, इन सब के लिए वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में लोग इसका उपयोग कर पाएंगे, जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। परिवहन विभाग आज दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है, इसको और तेजी के साथ हम आगे बढ़ा करके जन के उस विश्वास को अर्जित कर सकते हैं जो परिवहन विभाग के प्रति आम जन के मन में एक नई जागरूकता देखने को मिली है। और खासतौर पर हम लोगों ने अविश्वास देखा है वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान परिवहन निगम ने बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में, विद्यार्थी जो कोटा में या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में, और अन्य जहां कहीं भी शासन की योजना का हिस्सा जो कार्यक्रम था उसमें सहभागी बनकर के स्वयं की जान की परवाह किए बगैर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, उस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक नए विश्वास के रूप में परिवहन विभाग उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर जब लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम जन सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके लिए परिवहन विभाग को एक बार फिर से हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक माह का यह सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, प्रत्येक नागरिक की अमूल्य जान को बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी जिलाधिकारीगण भी अपने अपने जनपदों में जो प्रत्येक सप्ताह के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं अलग अलग विभागों के लिए, उन कार्यक्रमों की सफलता के साथ साथ उनकी निरंतर समीक्षा करते हुए एक माह के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी संबंधित विभागों को इसके साथ जोड़ करके हम प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना से होने वाली दुर्घटनाओं को और मौतों के आंकड़ों को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो सड़क सुरक्षा शपथ है इसमें आप सब भी सहभागी बनकर के इसे मेरे साथ दोहराएंगे, और ये शपथ जो है न केवल यहां पर बल्कि प्रत्येक जनपद में भी इस प्रकार के शपथ के आयोजन होने चाहिए। विद्यालय में, कॉलेजेज में, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप सब मेरे साथ इसको दोहराएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे, तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।
भारत माता की जय।